हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम बैक टू स्वातीज किचन एंड लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ही मंडे, श्रावण का तीसरा सोमवार है। तो आज मैंने अपने बाल वॉश किए हैं और यहाँ पे मैं बालकनी में आके थोड़ा सा सुखा रही हूँ। वैसे सूखने वाले नहीं है क्योंकि मौसम जो है वो आज भी थोड़ा सा क्लाउडी है, मतलब बारिश हो ही सकती है आज भी। और आज मैं डायरेक्टली लंच की प्रिपरेशन करने वाली हूँ, पूरा मतलब लंच प्लेट ही बनाने वाली हूँ। नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं है क्योंकि मुझे भी आज उपवास रहता है और अभय को भी टिफ़िन देना है, तो एक साथ ही सारी चीज़ें होकर रहेगी। और पूजा वगैरह तो मैंने कर ली है और अब मैं डायरेक्टली किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं दाल चढ़ा रही हूँ, दाल, राइस, एक सूखी सब्जी और रोटी ऐसे बनाने वाली हूँ मैं। कुछ डिब्बे निकाल के रखे थे मैंने, वो सुबह सुबह ही नहाने के पहले ही मैंने वॉश करके रखे हैं सूखने के लिए, तो उनको भी उनके उनकी जगह पे रख दूंगी। एक साइड में कुकर में दाल लगा दूंगी और दूसरी साइड में राइस बनाने के लिए रख रही हूँ। जनरली मैं दाल और राइस एक साथ ही लगाती थी, मेरे पास वो बड़ा वाला कुकर था, आप अगर मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। लेकिन इस टाइम पे मैं सेपरेटली इस तरह से लगा रही हूँ, मतलब अलग से दाल लगा रही हूँ और अलग से राइस बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने रेवा को ऊपर का जो फूड रहता है वो देना स्टार्ट कर दिया है। तो राइस का जो ऊपर का पानी रहता है, मराठी में उसको तांदरा से पेज ऐसे बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट वो उसको देना मैंने स्टार्ट कर दिया है और जस्ट 10 दिनों से मैंने उसको स्टार्ट कर दिया है। तो यही चीज़ मैं उसको दे रही हूँ अभी। जब तक ये चीज़ उसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती तब तक मैं दूसरी चीज़ नहीं उसको शुरू करूँगी। जब तक ये 50-70% पकता है ना, तब तक इसका पानी मैं ऐसे ही रखूँगी और उसके बाद ऊपर का पानी निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे राइस रख दिया है और साथ ही साथ में आटा गूंद के ले रही हूँ और राइस में मैंने नमक भी डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऊपर ऊपर का जो पानी है ना वो एक कटोरी में निकाल के लिया है। इतना पानी वो पीती है, तो एक टाइम कभी कभी पी लेती है, कभी कभी उसको 2 टाइम लगता है ये, तो इतना आधा कटोरी वो दिन में ख़त्म कर जाती है। जो हमारे दवाई की बॉटल्स वगैरह आती है बच्चों के लिए, उसमें इस तरह के ट्यूब्स आते हैं, तो उसी से मैं उसको ये पिलाती हूँ, तो अच्छे से पी जाती है ये और ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं करती, उसका चेहरा वगैरह ख़राब नहीं होता, तो इसको आसानी से मैं पिला सकती हूँ इससे। तो यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही हूँ और उसको पता चल गया है कि मैं किचन में हूँ। Thank you.
अभी भी किचन का सारा सामान नहीं निकला है, तो बस एक ही कढ़ाई ही ऊपर है, तो इसी कढ़ाई से मैं काम चला रही हूँ। तो इसी कढ़ाई में मैंने दाल बनाई है, उसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक पैन में, और फिर इसी कढ़ाई में मैं सूखी सब्जी जो है यानी कि शिमला मिर्च बनाने वाली हूँ। तो शिमला मिर्च मैं स्टफिंग वाली बनाने वाली हूँ, जो भी बीज रहता है ना वो निकाल के फिर उसमें स्टफिंग भर के पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के उसी में पकाऊंगी। शिमला मिर्च का जो भी स्टफिंग है ना उसके लिए मैंने मूंगफली का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक ये सब लिया है। बेसिक सी चीज़ें हैं, सिंपल सी सब्जी है। तो इस तरह से पूरे शिमला मिर्च में पूरी स्टफिंग भर के मैं पैन में रखूंगी और फिर बाद में इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। और जिस प्लेट में मैंने स्टफिंग बनाया था ना तो उसे मैं थोड़ा सा पानी डाल के मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो शिमला मिर्च है वो नीचे से जले नहीं, चिपके नहीं पैन के साथ। शाम के 5 बजे है और दोपहर में एक वीडियो अपलोड किया है मैंने, और आपके कमेंट्स पढ़ते पढ़ते रिप्लाई देते देते मैं सो गई। पता नहीं मेरे कैसे आँख लग गई, और रेवा भी सो गई थी तो मैं भी सो गई। और अभी शाम के 5 बजे है, और कल सैटरडे संडे मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ अपलोड भी नहीं कर पाई, क्योंकि सैटरडे संडे अब मेरे को छुट्टी रहती है तो पूरा दिन जो है वो हमारा थोड़ा सामान लगाने में चला गया, और दूसरा जो टाइम रहता है बचा हुआ वो फैमिली टाइम हम स्पेंड किए एक साथ, तो बहुत सारा काम हो गया मेरा सैटरडे संडे। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लग गई, मतलब इस वाले रूम में बहुत बड़े बड़े सामान लग गए। उधर डाइनिंग टेबल जो है वो बहुत बड़ा है हमारा, उसके ऊपर का जो ग्लास है ना वो तो मतलब 2 लोग भी नहीं अच्छे से उठा पाते, तो वो भी लग गया। वार्डरोब वगैरह है ना वो भी अच्छे से मैंने उनका वार्डरोब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है, मेरा तो अभी नहीं हो पाया। और आज मैं साड़ी पहनी हूँ क्योंकि आज मंडे है, और दूसरी बात मेरे कपड़े ही नहीं मिल रहे क्योंकि कहाँ कहाँ पे क्या क्या रखा है मुझे कुछ याद नहीं है अभी। और जो कपड़े मैं लेकर आई थी घर से, मम्मी के घर से, तो बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कपड़े मैं वहाँ पे रखे आई हूँ। तो यहाँ पे जो भी कपड़े लेके आई थी मैं वो 4-5 दिन यूज़ किए मैंने। यहाँ का मौसम जो है ना वो बहुत ठंडा है, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से एक दिन भी ऐसा नहीं है कि अच्छी बारिश ना हुई हो, तो हर रोज़ बारिश होती है। इसलिए मैंने बहुत सारे कपड़े अभी नहीं निकाले हैं वॉश करने के लिए, जो भी ज़रूरत के हैं जो डेली यूज़ करते हैं ना वही निकाले हैं, और हर रोज़ मैं पुराने कपड़े ही पहन रही हूँ क्योंकि सामान अरेंज करते टाइम पे बहुत डस्टिंग हो जाती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो पुराने कपड़े यूज़ करके ही मैं डस्टिंग कर रही हूँ और वही पहन रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लगते हैं। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ अभी कमेंट्स जो स्पेसिफिक लोग होते हैं ना जिनके हमेशा कमेंट्स होते हैं वही बस कमेंट करते हैं। आई नो कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, व्यूज़ बहुत जल्दी आ जाते हैं वीडियोज़ के ऊपर, लाइक्स भी बहुत होते हैं, बट कमेंट्स नहीं होते। तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि इतना मेहनत करती हूँ मैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि सच में आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो एक आपकी कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करती है, आपका एक सिंगल वर्ड भी मुझे मोटिवेट करता है ये सारी चीज़ें करने में, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए अभी शाम के 5 बजे और मुझे बहुत सारा काम भी करना है। सो गई थी मैं दोपहर में, और अभी किचन जो है ना वो बहुत गंदा पड़ा है, आज मंडे है तो एक टाइम ही खाना बनाया है मैंने, पूरे दिन का एक टाइम ही खाना बनाया है, तो अभी शाम रात को तो खाना नहीं बनाना है, तो पूरा किचन काउंटर क्लीन करना है मुझे। वैसा ही मैसी पड़ा है, डाइनिंग टेबल के ऊपर हम लंच किए हैं तो वो भी ऐसा ही पड़ा है, तो वो साफ करना है, सारे बर्तन साफ करने हैं। और तीसरी चीज़ मुझे आज फ्रिज क्लीन करना है, क्योंकि फ्रिज अगर आप देखोगे ना तो आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि मुझे अभय बोले कि मैंने आपका एक काम कम कर दिया कि मैंने फ्रिज क्लीन करके रखा है, और जब मैंने फ्रिज खोला तो सारी चीज़ें से उल्टे रखे थे, जो फ्रिज के क्या बोलते हैं उसको शेल्फ होता है ना, तो ऐसे उल्टा रखा था उन्होंने, जिस तरह से रखना चाहिए उस तरह से नहीं रखा था, तो वो हिल रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे। और वेजिटेबल का जो रहता है ना बॉक्स कंटेनर जो हम बोलते हैं वेजिटेबल नीचे का पार्ट रहता है ना, उसका ढक्कन उन्होंने ऊपर लगा दिया है, मतलब शेल्फ की तरफ वो लगा दिया है, तो मुझे बिल्कुल हंसी आई थी। तो मैंने अभी सोचा है कि
पहले फ्रिज को क्लीन करूंगी ताकि जो भी सब्जियां वगैरह आएंगी वो अच्छे से हम वॉश करके उसमें स्टोर करके रख सकें। तो बस एक ही काम आज करने वाली हूँ मैं पूरे दिन में, बाकी कुछ नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रिज में जो भी सब्जियाँ है जो भी सामान है वो निकाल के ले रही हूँ मैं। और 2 दिन पहले मैंने पानी पूरी की रेसिपी बनाई थी, तो मैंने वो आपके साथ शेयर नहीं की है, उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, बट वो बनाई थी मैंने पानी पूरी घर पर ही। और जो चटनी होती है ना, लाल चटनी और उसकी हरी चटनी, वो दोनों चटनियाँ बनाकर स्टोर करके रखी है मैंने, तो बाद में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो सब्जियाँ वगैरह है ना वो भी मैंने फोल्ड करके रखी थी लास्ट संडे, यानी कि कल ही हम सब्जियां लेकर आए थे, तो हमने संडे का दिन सब्जियों के लिए रखा है, तो संडे के दिन सब्जियां वगैरह लाके अच्छे से धो के हमने स्टोर करके रखी है यहाँ पे। ये वाला जो कंटेनर है ना वो मैं अभी वॉश नहीं करूंगी, जब सारी सब्जियां खत्म हो जाएंगी तब वो मैं वॉश करूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारे शेल्फ उन्होंने लगा के रखे है, ये जो सर्कुलर पार्ट होता है ना वो पीछे की तरफ होना चाहिए था तो उन्होंने आगे की तरफ लगाया है। और ये जो ऊपर का ढक्कन है ना वो कंटेनर का ढक्कन है जो कि उन्होंने शेल्फ की तरह यूज़ किया है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से वॉश करके सुखा के फिर लगा के रखूंगी फ्रिज में। और फ्रिज को क्लीन करने के लिए मैंने जो घर का ही DIY रहता है ना वो यूज़ किया है, लेमन जूस और बेकिंग सोडा यूज़ किया है मैंने। और आप इसमें डिश वॉश लिक्विड भी डाल सकते हैं, बट मैंने वो नहीं डाला क्योंकि वो अभी मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली बेकिंग सोडा और लेमन जूस और थोड़ा सा नमक डाला है, वो सारा चीज़ें डाल के मिक्स करके मैं क्लीन करते जा रही हूँ। फ्रिज का ऊपर का जो पार्ट है, मतलब अपर पार्ट जो रहता है फ्रिज का, वो भी आज क्लीन करने वाली हूँ। तो उसके ऊपर में हमने मिक्सर वगैरह रखा है, तो वो भी हटा के अच्छे से क्लीन करके न्यूज़पेपर बिछा के मैं उसे भी साफ़ करने वाली हूँ। सो गाइस, तो मेरा सारा फ्रिज क्लीनिंग हो गया है, मैंने ये सारे शेल्फ जो है वो वॉश करके सुखाने के लिए रख दी है गैलरी में। जो बालकनी है वो कल ही हमने क्लीन करके रखी थी, मतलब अभय थे घर पे तो हम दोनों ने वो क्लीन करके रखी है।
आगे कभी मैं आपको दिखाऊंगी अगले वीडियोस में, तो वहाँ पे ये सुखाने के लिए रखूंगी मैं शेल्फ। और इसके बाद अच्छे से फ्रेश होके मैं चाय लेने वाली हूँ। और रेवा अभी भी सोई हुई है, तब तक मैं यहाँ पे लैपटॉप लेके बैठी हूँ। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। I'm not afraid of the dark.